क्या कहेंगे सर, हिंदू खतरे में? खाद का दाम बढ़ गया तो हिंदू खतरे में नहीं है? आप बताइए ना, खाद के जो दाम बढ़ाए हैं प्रधानमंत्री ने, 1200 रुपये के DAP खाद 1900 रुपये कर दिया, तो क्या प्रधानमंत्री जी ये जवाब देंगे कि हिंदू खतरे में है या नहीं है? हमारा गेहूं का दाम 100 किलो तक 1500 रुपये से कम है, लेकिन हमारे खाद पर जिसे हम खेती करते हैं उस पर 50 किलो के बोरे पर 700 रुपया बढ़ा दिया गया। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ाया, सिखों के लिए बढ़ाया, बौद्धों के लिए बढ़ाया, जैनों के लिए बढ़ाया, पारसियों के लिए बढ़ाया, यहूदियों के लिए बढ़ाया कि हिंदुओं के लिए भी बढ़ाया? मतलब साफ है, देश के प्रधानमंत्री पॉकेट मार प्रधानमंत्री हैं, समझिए। इतना बड़ा चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है। अब ये सिर्फ काम क्या होता है, कोई लुटेरा भी धर्म का ओहदा ओढ़ कर, आपने जितने भी देखे होंगे, रामायण और महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, समझिए। करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। मुगल बादशाह 900 साल तक हिंदुस्तान में राज किया, तब हम खतरे में नहीं थे। 200 साल अंग्रेजी हुकूमत ने शासन किया, तब हम खतरे में नहीं थे। 70 साल कई पार्टी की सरकारों ने देश चलाया, तब हम खतरे में नहीं थे। तो 6 साल के नरेंद्र मोदी के शासन में ही हिंदू खतरे में क्यों है, यह सवाल जो लोग हिंदुत्व की बात कहते, जो हिंदू धर्म की बात कहते, क्या राम, प्रभु श्री राम और कृष्ण से पहले हिंदू धर्म नहीं था? था। अगर भाजपा नेताओं को गरुड़ पुराण और प्रभु श्री चित्र की फोटो दिखा दीजिएगा तो इनको छठी रात का दूध याद आ जाएगा। धर्म, हिंदू धर्म मनुर्भवा की बात कहता है, यानी मनुष्य बनिए, और मनुष्य के लक्षण क्या हैं वो प्रधानमंत्री को सीखने की जरूरत है। योगी जी ने कहा, फिर वही बात, योगी कौन होता है यार, वो गुंडा। बात तो सुन, सुन फिर आप सब भी ऐसे बोल रहे हो, चोर को चोर नहीं बोल रहे हो, चोर को राजा हरिश्चंद्र बोलोगे, तो राजा हरिश्चंद्र को क्या बोलोगे? आप समझो बात, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो योगी नहीं, ढोंगी है। उस ढोंगी अपराधनाथ के राज्य में, जिस पर कई संगीन मामलाओं में धाराएं दर्ज हैं, उस उत्तर प्रदेश में जिसने प्रभु श्री राम की धरती का अनादर किया, राम राज्य का अनादर किया, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, उसी वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, बलात्कार के बाद जीव काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। 18 दिन तक पुलिस वहाँ FIR दर्ज नहीं करती है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो CBI जांच की मांग की, जांच हुआ, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आवाज़ बुलंद किया। दूसरी बात, उसी हाथरस में वुमेंस डे के दिन बहुत बड़े कसीदे कढ़े जा रहे थे, पीड़िता के पिता ने जब विरोध किया तो उसके पिता को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया, ये हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता है, पहली बात। दूसरी बात, आगरा में जिस तरीके से मुस्लिम दंपति के साथ, क्या किसी धर्म में, जाति में जन्म लेना मोदी सरकार में गुनाह है? उस मुस्लिम समुदाय के युवक जो अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, उसके साथ बलात्कार, गैंगरेप हुआ और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों ने आज तक नहीं दिखाया। उसी बंगाल में आकर कहते हैं ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो तमाम अराजकता फैलाना वाले गुंडा प्रवृत्ति के लोग गले में तख्तियां टांग कर जान की भीख मांग, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान इस तरीके की बातें करता है? मतलब साफ है, परवरिश का फर्क है, समझिए। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा वो अमृत जैसा दूध देता है, और सांप के बच्चे को दूध पिलाइएगा अमृत जैसा तो जहर उगलता है। ये भगवाधारी निक्कर वाले जिसको हाफ पैंट से फुल पैंट माने तक आने में 70 साल लग गए, वो लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, आज उनकी सरकार है। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, राम नाम रटना पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। अब समझिए, एक सच्चा हिंदू होने के नाते हम इसका विरोध इसलिए करते कि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू धर्म व्यभिचार के लिए नहीं सिखाया जाता,
हमारे धर्म में व्यभिचार का फल है, झूठ बोलने का फल है, जानवरों पर अधिक बोझ लादने का फल है। तो ये जो गरुड़ पुराण बताता है, भगवान चित्रगुप्त बताते हैं, कर्म आधारित फल मिलता है। ये भाजपा नेता अगर सीख लेंगे तो उनको छठी रात का दूध याद आ जाएगा। अब आप आइए, ये लोग राम सुनिए ना, क्यों पका रहे हैं? अरे भाजपा ने कमीशन दे रखा है। नहीं नहीं, मोदी जी की बात पूरी कर लूँ मैं। अरे सुना दूंगा आपको, आप सुनिए, आप दलाली में मशगूल मत होइए, नहीं तो मुजरा गाइए चौचरा पर। आप सुनिए, भगवान श्री राम की बात की जाती है। भगवान राम अपनी पत्नी सीता के सम्मान के लिए रावण का वध किया, लंका तक की यात्रा तय की। हमारे धर्म में नारी को देवी का रूप माना गया है, नारी सर्वत्र पूजित है। रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, अपमान किया, रामल का समूल नाश हो गया। कौरव यानी दुर्योधन ने नारी का अपमान किया, कौरवों का समूल नाश हो गया। कंस इतना बड़ा प्रतापी राजा था, जिसने नारी का अपमान किया, कंसों का अपमान हो गया। अब समझिए, अब आइए प्रधानमंत्री पर। जो आदमी फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहा है, उसने जसोदा बहन के मांग में सिंदूर भरी, उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया। सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, सिंदूर भरना इस बात का गारंटी है कि जब तक वो महिला जिंदा रहेगी जिसके मांग में सिंदूर भरा है, उसकी देखरेख करेगा, उसकी मांग पूरी करेगा। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी, समझिए। अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। नरेंद्र मोदी जी एक ही जन्म में सिंदूर भरे है, 18 साल की उम्र में शादी किए, अब 20 साल में छोड़े दिए। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तत् से अमोर से खेलते। आप समझिए, मन का काला दूर करते, समझिए बात को। दूसरी बात, आपने फिर आए प्रभु श्री राम पर। प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, पुरुषोत्तम राम, और उसको ये देव को असुर बना बता के अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो केवट ने भगवान राम को नदी पार कराया, और मोदी जी ने क्या किया? उसी समाज की विधवा बहू जिसने राम को नदी पार कराया, उसके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग किया। क्या भारत के प्रधानमंत्री चोर तो थे ही, पॉकेटमार तो थे ही, जुट्ठा के सरदार तो थे ही, बेशरम तो थे ही, निर्लज तो थे ही? अरे संविधान में है तो क्या मतलब है? आप सबको गोली मार दीजिए, कुछ नहीं कहे आपको। अरे हमारा धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है सो बताता हूँ। कौरवों और पांडवों की सेना खड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिए, उन्होंने कहा लड़ाई के मैदान में अगर दुश्मन अपना भाई भी हो तो वो दुश्मन है, अपना चाचा दुश्मन हो तो दुश्मन है। हम क्या लड़ेंगे चाइना से और पाकिस्तान से? अकेला नरेंद्र मोदी काफ़ी है। क्या डलहौजी लूटा? अकेला नरेंद्र मोदी ने लूट लिया। आप कहते हैं हम उसको नहीं बोले। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को क्या गांव में जाके चुनाव प्रचार करने की जरूरत थी? क्या भारत की सुरक्षा की जवाबदेही नहीं थी? आपने कभी सवाल क्यों नहीं पूछा? प्रधानमंत्री का रंगाबिल्ला का बस नहीं चलता है, नहीं तो उत्तर प्रदेश के गाँव के प्रधानी के चुनाव में कहेंगे घर घर जाके पर्चा बांटेंगे, आपने नहीं देखा? अब समझिए बात को कि देश में किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तुम आप बात अधूरा बीच में काट दिए बिल्ली की तरह, रास्ता काट गए, चूंकि भाजपा से कमीशन खाया होगा आपने। आप सुनो बात को, सुनो सुनो प्रभु सुनो। लक्ष्मी देवी निषाद समाज की, उस केवट समाज की विधवा बहू थी जिसके साथ प्रधानमंत्री ने चीटिंग की, फ्रॉड किया। इसी बंगाल की धरती पर कब लक्ष्मी देवी के साथ आके फोटो खिंचवा लिया? उसको 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात थी। प्रधानमंत्री जी इतने निर्लज और बेशरम होंगे, इतने बड़े फ्रॉड होंगे, हमें यकीन नहीं था, पूरे विश्व को यकीन नहीं था। पूरे विश्व में इतना बड़ा चीटर प्रधानमंत्री आज तक कोई पैदा न लिया न होगा। जर्मनी में अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से की गई होती तो आज भारत में ये जुटलर पैदा नहीं लेता, समझिए आप। प्रधानमंत्री जब दीदी, वो दीदी कहते हैं आप, दीदी वो लक्ष्मी देवी को मकान कौन देगा, कौन देगा? उस पर बात नहीं करते हो, घूम फिर के दीदी पर आ जाते। प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते कि जिस बंगाल में आकर मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जब वो नारा दे रहे थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, तो बंगाल का हिस्सा अगर 15 लाख प्रति साल होता तो 90 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। अब 6 साल से जिस भारत के प्रधानमंत्री हैं, बंगाल उसी भारत का एक अभिन्न राज्य था, है और रहेगा, समझिए।
तो 6 साल से क्या बंगाल चला गया था पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो नरेंद्र मोदी जी मुजरा गा रहे थे, नौकरी नहीं दे रहे थे, सवाल नहीं पूछते आप, हर कुछ में घूम के चले आते, दीदी राम कृष्ण, राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। हर आदमी का अपना अलग अलग धर्म है, धर्म एक सभ्यता है और मानने का रीति रिवाज सबका अपना अलग अलग। आपने धर्म की बात की, रामायण में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो रामचंद्र जी थाली पिटवा लेते, तो रामचंद्र जी के भाई थे वो, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, हनुमान जी सुसेन वैद्य को बुलाए, और उस समय रोकने वाला कौन था, कालनेमी राक्षस। तो ये भाजपा के लोग यही कालनेमी राक्षस हैं, समझिए बात को। जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की तो ये चुनाव में मस्त थे, 300 सांसद, 40 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, 70 से अधिक राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के और नेता। तो क्या कोरोना से संज्ञान लेने की बजाय दिल्ली में चुनाव कराना जरूरी था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी जरूरी थी? जिस ट्रंप को गुलामी की इन्होंने, जिस गुजरात की राजधानी गुजराबाद की जो राजधानी अहमदाबाद है, जो कर्णावती शहर कहलाता था उसको कोरोनावती बना दिया, प्रधानमंत्री जी 8वां अजूबा 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार बनाई, जो गुजरात में इन्होंने 13 साल में कुकर्म किया, जो इनकी पार्टी ने कुकर्म किया, विकास नहीं किया, उसको ढकने के लिए चलो जूठ के पार चलो दीवार बनानी पड़ी। 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाते रहे मध्य प्रदेश में, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इनसे कोई मतलब नहीं। ये करते क्या, बंधन फिल्म देखा है आपने, सलमान खान को देखा था, सलमान खान के जीजा जी लगते थे उसमें, फिल्म में बंधन में, जो जीजा जी कहेंगे वही होगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, जो अंबानी अडानी कहेगा वही होगा। अंधभक्त क्या कहता है, पापा पता ताल, पापा अच्छा काम कर रहे हैं। ये हाल है, ये सलमान खान समझ, शक्ल न सूरत अपने को सलमान खान समझते। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं असोल परिवर्तन की तरफ पश्चिम बंगाल चल रहा है, पूरा देश परिवर्तन हो गया, आपको होश नहीं आया? अरे आप लोग इतना दलाली और वागिरी कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं है? सवाल करें सरकार से, पूछो, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो पावर में है, उससे सवाल पूछो कि पूरे देश का 6 साल में कैसा परिवर्तन हुआ मोदी जी। लोग सोचते थे कि बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी, आपने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि लोग नंगे पांव नहीं चल पा रहे थे। आपके उत्तर प्रदेश की ढोंगी अपराधनाथ की सरकार ऊपर से नीचे तक 100-100 लाठियां बरसा रही थी, 13 साल की दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को लेके गया। लोग सोच रहा था कि कार में बैठेंगे जो हवा में उड़ेगा, पहली बार मोदी जी के राज में देखने को मिला कि बैलगाड़ी से बैल छिन गया, इंसान को बैल बनना पड़ा। जो प्रधानमंत्री जी का जुमला था, भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा, हैं न रहे बांस न बजे बोसरी, एयर इंडिया भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, कहाँ चढ़ेगा आपको, छाती पर, हैं। अब पहला बार ऐसा देखने को मिला कि आदमी के पैर से चप्पल छिन गया, प्लास्टिक की बोतल पहन के चल रहा था, 1947 वाला भारत में पहुंचा दिए रिवर्स गियर में। जो भारत नंगे पांव से एडिडास प्यूमा जैसे ब्रांडेड कंपनी के जूते चप्पल पहनता था, उस भारत को नंगा पांव चलना दुर्लभ हो गया। माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी, बैलगाड़ी से बैल छिन गया, इंसान को बैल बनना पड़ा, लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, भूखे प्यासे मर रहे थे, वो भारत आपको नहीं दिखा। आपको देखिए, कोरोना से मोदी जी का मैच फिक्स है, जैसे शहादत से मैच फिक्स है वैसे ही कोरोना से मैच फिक्स है। 800 फीट का कोच होता है राजधानी का, 800 फीट का कोच होता है स्लीपर का, राजधानी में बैठेगा तो कोरोना नहीं होगा, स्लीपर में बैठेगा कोरोना होगा। क्या माइंड कंट्रोल किया जाता है यार, मास्क लगाने से अगर बीमारी ठीक हो जाती तो हम पूरे शरीर में तिरपाल बांध लेते सबसे मोटा वाला कि कोरोना घुसता ही नहीं, आप समझिए। सही बात नहीं, जब सब कुछ है, सैनिटाइजर है, मास्क है, सब कुछ है, तो उससे कोरोना नहीं भाग रहा है, और रात में कर्फ्यू लगा दीजिएगा तो कोरोना भाग जाएगा। अरे रात के कर्फ्यू मोदी जी के आने से गणित बेहोश में है, कोमा में है, विज्ञान कोमा में है। भाइयों बहनों मित्रों, गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने पाइप जोड़ दी, चूल्हे से जोड़ दिया, इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट के रहते हुए 400 रुपये का सिलेंडर 1000 के पास पहुंच गया है,
आप सोचिए, तो आप काहे नहीं निकाल लेते हैं पछवारे से गैस, वही गंदा नल में पाइप जोड़ देते हैं, क्यों गैस में मंगा कर रहे हैं? जब 40 से 50 रुपए की पेट्रोल डीजल, 200-400 रुपए की सिलेंडर, महंगाई डाइन खाई जाते हैं, आपकी महंगाई का भौजाई लग रही है, डार्लिंग लग रही है आपकी, तो सवाल पूछिए। जो प्रधानमंत्री दूसरे तरफ दीदी वो दीदी करते हैं तो आप चिड़ क्यों जाते हैं? फिर बात, आप प्रधानमंत्री दीदी से चुनाव लड़ने के लिए है कि पूरे देश का कल्याण करने के लिए है? तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं संभल रहा। देश के तमाम भाजपा के जितनी सरकार में बैठे हुए मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं, उन सबको पैजाब पहन के हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। इन नमक हरामों से देश नहीं चल रहा, इनको आके अपना मुजरा गाना चाहिए चौक चौराहों पर। अरे आप वेतन भत्ता लेते हैं देश का, गृह मंत्री का काम है, 22 सैनिकों की शहादत हो गई। जब जब देश में चुनाव होता है, भारत माँ के वीर सपूत शहीद होते हैं, समझिए। आज तक कई साल बीत गए, पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई कि पुलवामा में वो कार किसकी थी कि जिसमें 300 किलो से अधिक आरडीएक्स जेलेटिन था। जब आर्मी की लाइन जाती है तो उसमें सिविलियन कार घुसती नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे डिवाइडर हैं, तो कार उधर कैसे गई? जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, जब आपके पास सीआरपीएफ के अधिकारियों ने लिखा था, तो इतनी बड़ी चूक का जवाब दे, देश का गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गलवान की घटना हुई 22 मई को, हमारे आप देखिए कि 22 जवानों की शहादत हो गई, कहते हैं 2 मई डीडी गई, 2 मई डीडी गई, अरे 2 मई भाजपा गई, आओ बहुत हुआ महंगाई की मार, आओ हम सब मिलकर भगाएं मोदी सरकार। समझिए 2014-19 के बाद जितनी वारदातें हुई, जितनी बातें मोदी जी ने कहा, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया था, और लोग अपने को ठगा हुआ महसूस किया 2014-19 के चुनाव के बाद। आप समझिए, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं सट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये देश पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, ये बंगाल का चुनाव पूरे देश की रक्षा करेगा, पूरे देश को गुलामी से बचाएगा। ये सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं बचाएगा, पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगा। और इसी देश की माने जगह की मिट्टी, बंगाल की पावन भूमि ने सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीखे लोगों को पैदा किया, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रधानमंत्री का नारा है, तुम मेरी मकारी पर पर्दा डालो मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। ये बंगाल की मिट्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक्स सर्विस मैन विंग का तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष बीवी पांडियन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। आप एक बात बताइए, भाजपा आरएसएस के किसी भी नेता के बाप की औकात है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के पैर की जूती की धूली बरोबर हो? सुभाष चंद्र बोस सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराए, विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया जो ब्रिटेनिया हुकूमत के गुलाम थे। आज फिर सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं बचाना, पूरे देश को कंगाल होने से बचाना है, और देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई में बंगाल के लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।